नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछु मिचिन में प्रथमे हेडलाइंस पुणी पुलिस रो थर्ड डिग्री थाना हाजत रे नाबालक को माड़ पर इलेक्ट्रिक शॉक उदित नगर थाना पुलिस नारे सांघातिक अभियोग मोबाइल चोरी घटना रे दुई दिन अटक रखी निर्धुम माड़ मारिथिबा अभियोग हाइकोर्टर नुआ मुख्य विचारपति शपथ नेले जस्टिस डॉक्टर एस मुरलीधर राजभवन रे शपथ पाठ कराइले राज्यपाल आईन व्यवस्था अधिक त्वरान्वित होगा आशा रही कहले आईनमंत्री आज केन्द्र सरकार और कृषक संगठन मध्य अष्टम बैठक गतमास 30 तारीख में होता शेष आलोचना चारि प्रसंग दुईट मिले सहमति आज आलोचना उपरे समस्त नजर महांगारे दुई बीजेपी नेता हत्या घटना कटक्र समस्त ब्लक में विक्षोभ कर बीजेपी दोषी को धरवा पुलिस को सात दिन समय 13 नंबर अभियुक्त भाव मंत्री प्रताप जेना नारे तला मंत्री प्रताप जेना लेखाश्री टार्गेट आईन मंत्री ना क्राइम मंत्री ट्वीट कर कले प्रश्न कहले मंत्री प्रोत्साहन में महांगारे रक्तमुखा साजिश बीजेडी मंत्रिमंडल बरखास्त कले दावी बेंगल मुहा ओडिशार राजनैतिक हिंसा महांगार विकास जेना खोर्धार मंगुली जेना हत्यार रहस्य भेदी पारिनी पुलिस 2017 पंचायत निर्वाचन पूर्व राजनैतिक हिंसा जा 10 अधिक जुवक शेषे पुणी निखोज बिर्जु कुलु राति गोटायु घर निखोज कुर्ता थाना निखोज रिपोर्ट दाखल कले भौणी पाकिस्तान जेल में 20 वर्ष रहा ओडिशा फेरी बिर्जु एथर संपूर्ण खबर महांगार नृतांगे शोकाकूल परिवेश भितर गतकाली स्वर्गत बीजेपी नेता कुलमणि बराल और दिव्य सिंह बराल शेषकृत्य संपन्न होजेपी तरफ एक विशाल शोभायात्रा द्वारा मरशरीर को प्रथम गांव को अणाइला जो पूरा गांव में शोकाकूल परिवेश सृष्टि होता समय बीजेपी राज्य सभापति समीर महांती विरोधी दल नेता प्रदीप्त नायक राज्य साधारण संपादिका लेखाश्री सामन सिंघार प्रमुख जोगदे महांगार वरिष्ठ बीजेपी नेता कुलमणि बराल और दिव्य सिंह बराल हत्या घटना रे विवाद रे आईन मंत्री प्रताप जेना मंत्री प्रताप जेना ना थाना एतला दिया जाइछि 14 जन ना थाना एतला होता बेले 13 नंबर अभियुक्त भाव मंत्री प्रताप जेना ना रही सेपटे हत्या घटन आईन मंत्री प्रताप जेना कड़ा समालोचना करिसेंते बीजेपी राज्य साधारण संपादिका लेखाश्री सामन सिंघार लेखाश्री मंत्री को समालोचना करने आईन मंत्री ना क्राइम मंत्री बोली ट्वीट कर प्रश्न कर मंत्री प्रोत्साहन में महांगा अंचल में विजु जनता दल रक्तमुखा साजिश लेखाश्री सामन सिंघार कहते मंत्री ना एफआईआर थी मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री तुरंत बरखास्त करतु दावी करते सेपटे समस्त अभियुक्त गिरफ दावी आज कटक जिलार प्रत्येक ब्लक में विक्षोभ कर बीजेपी सात दिन भितर समस्त अभियुक्त को गिरफ करान गले राज्यव्यापी प्रतिवाद चेतावनी दी दल महांगारे बीजेपी नेता हत्याकांड और आईन मंत्री ना एतला प्रसंग प्रतिक्रिया रखिले आईन मंत्री प्रताप जेना जेतेबेले ओडिशा रे किछि घटना घटुची दोषी गिरफ हेउ और दंड पाउ बोली समस्ते लक्ष्य रखिबा उचित किंतु विरोधी राजनैतिक दल माने एकथा चाहुछंती कि नाही ताहा बड़ प्रश्नवाची एही घटना को राजनैतिक रूप देबा को बीजेपी चाहुची आमो ना एतला होइछि एवं सबु तदंत परे जणा पड़िबो व्यक्तिगत भावे उद्यम रहिबो दोषी गिरफ हुंतु और कठोर रु कठोर दंड मिलो बोली कहिछंती आईन मंत्री प्रताप जेना जिते ओडिशा रे कौन गोटे घटना घटुची सेते समस्त लक्ष्य हवा उचित जी दोषी से तुरंत गिरफ हो दंड पाऊ कठोर रु कठोर कार्यानुष्ठान दोषी प्रति नियाजाऊ किंतु आम विरोधी राजनैतिक दल माने से माने एक चाहूंती न चाहूंती गोटे बड़ प्रश्नवाची रहुची जेतेबेले से माने कथाटा को गोटे राजनैतिक रूपरेख दौंती तेला हेछि आम नारे एवं सबकिछि इनक्वायरी जना पड़िबो महांगार वरिष्ठ बीजेपी नेता कुलमणि बराल और दिव्य सिंह बराल हत्या घटना रे शोक प्रकाश करिसेंति भुवनेश्वर सांसद तथा बीजेपी राष्ट्रीय मुखपात्र अपराजिता षडंगी यह एक राजनैतिक हिंसाकांड प्रधानमंत्री आवास योजना रे होता दुर्नीति विरोध में से स्वर उत्तोलन करुते जहाँ बीजेडी गुंडा चुप कराइबा को चेष्टा करुते घटना सूचाऊ ओडिशा पश्चिमबंग मुहा होइछि
तबे संपर्क रे अधिक तथ्य पई आम सहित सीधासळख जोड़ी होती कुतरंगा गाँव रू आम प्रतिनिधि संतोष जेना जोड़ी होती। संतोष वर्तमान आपण अच्छा जे तबे जो भाई भाव में आम देखुले वर्तमान राज्य राजनीति में एक नुआ झड़ सृष्टि जे बीजेपी नेता कुलमणि बराल एवं दिव्यसिंह बराल को हत्या पर वर्तमान राजनीति में किभली भाव में हिंसार स्थान नहीं पूरा सबुठ विरोध प्रदर्शन करा सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा हो वर्तमान 13 नंबर रे जिते एफआईआर दि जाइए परिवार पक्षर 13 नंबर अभियुक्त भाव वर्तमान आईन मंत्री प्रताप जेना ना सामना को आसुची तेरे पूरा घटनारे वर्तमान पुलिस सबुठ बड़ गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही किए क्यों दोषी क्यों हत्याकांड में संप्रत रही खोजी बाहर करने कठोर रु कठोर दंड देवा तेज पुणी थे आम सहित जोड़ी होती संतोष जेना आम प्रतिनिधि। संतोष वर्तमान परिवार रो वर्तमान स्थिति कौन रही वर्तमान बीजेपी नेता कुलमणि बराल एवं दिव्यसिंह बराल शेषकृत्य संपन्न सरी वर्तमान गाँवें बा परिवार रे एक शोकाकुल परिवेश मध्य सृष्टि होई। संतोष वर्तमान रो स्थिति कौन रही देखु निस्ताबे चिन्मयी प्रताप जेना को नहीं जो विवाद वर्तमान समय सामना को आसी वर्तमान चर्चा आलोचना जोर धरी गोटे पटे 13 नंबर अभियुक्त भाव प्रताप जेना को जिते पुलिस सूचाई से प्रताप जेना कहते जी दोष कर दंड पाइ कुलमणि बाबू पुआ आम सहित जोड़ आम सहित प्रतिक्रिया नबू आज्ञा केम देखुं प्रताप जेना 13 नंबर अभियुक्त एक जा सारापर प्रताप जेना पूरा दम्भक्ति देखते इनक्वारी हेले ना सामना को आसो जी दोष कर दंड पाइब यापर आपर कौन प्रतिक्रिया रही ये अजथा कथा कहते आज्ञा दोषी तो आप पुलिस आपको दोषी करसतु आज थाना आप पुलिस सामना करूँ पुलिस आगे पाए पहुँचू तदंत करूँ फोन को जांच करूँ कौ कौ दिन कौ कौ मैंने कल कर रेकर्डिंग बाहर एवं पीए ये हत्याकांड जदि 12 जन एफआईआर हो आधे बहु मंत्री सह अलग जो मैंने नेतृस्थानी अच्छा से मैंने भी संपृक्त फोन जांच हो आउ टी आगे कहले दोषी दंड पाए आप दोषी 13 नंबर दोषी आपण को आगे पुलिस तदंत करू तदंत पर नहीं आपन को आगे पचराउचरा करूँ आप घर किए कौद किए जा कौन आप फोन में कथी आप पीए जे बुझुं माँ का फोन जांच हो बापी विश्वाल सी आज्ञा फोन आकर ये क्रिमिनाल डेली कंटाक्ट प्रतिदिन कंटाक्ट कंटाक्ट कर थाना यहाँ है सहीटा कहतु मलमंद करा ब्लक होनी कंटाक्ट हो फोन जांच कर कहुची जे दोषी जी भूल करी से दंड न पाइब दोषी को जे सुरक्षा दबो से दंड पाइब किसी सोशल मीडिया रे फोटो घूरी बुलू जो माने अभियुक्त या पूर्वर विकास जेना हत्याकांड जो माने संप्रक्ति थे सहित ये हत्याकांड जो मान आप अभियोग आने मंत्री छत्र छाया तले रोते मंत्री सहित फोटो उठाते मंत्री बासभवन में मौज मजलिस करुते या भितर के सत्यता अच्छे निश्चित सत्यता आम पाखे संपूर्ण खबर अच्छी से मंत्री को फोन जांच एवं जदि मंत्री को घर सीसी कैमेरा लगी चेक करूँ जानवे विभिन्न समय घर जाए रही छतर छाड़े रही ना माँ का पुलिस पाइलानी आसी गाँव में बुले पांच पांचटा केस करदे मर्डर केस पर मारापर आसी गाँव में पांचटा केस कर पांचटा केस ना वारंट होती तेणु पुलिस जो जान था फल्स केस हो वारंट कर न था तेणु इनक्वारी कर जार जार क्षति होती जो लोक बाड़ी इनक्वारी होने दोषी बोली सब्यस्त होती चार्जसीट होती से क्या बल सुरक्षित होते सब बीजेड जन सरपंच स्वामी फोटो कौटू भाइराल है फोटोटा कौन किए जोड़ी देला कि फोटोटा ठीक कथ कौर आप विभिन्न राली समावेश आसी भिकारी भिकारी स्वयं जो पूर्वतन अध्यक्ष ना केस विजु प्रधानमंत्री आवास योजना जो एफआईआर पीडी देते से केस जो दिन केस एंट्री है आप मीटिंग स्टेज पर गेस्ट थे ना पूर्व 2017 गेस्ट हमें 2017 मसीह भिकारी चरण स्वाई के ना केस अच्छी पुओ ना केस अच्छी आज पर्यटन चार्जसीट होनी कि पुलिस इनक्वारी करूँ कि बेल होना ये ग्यारंटी आम दूसरा क्या बड़े रोज मंत्री आईन मंत्री चाहूना ये आईन मंत्री नुहत आज क्राइम मंत्री
ମଶା କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଦୋଷ କରିଛି ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ କ'ଣ ଆପଣ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି କୁହନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆଇନ ଆଇନ ବାଟରେ ଦୋଷ ଯିଏ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆଧାରେ ନିଜେ ଆସାନି କେମିତି ଆପଣ କହିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଯେତେବେଳେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଜଣେ ମର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ଆମ ପିଲା ତାଙ୍କୁ ଗାଁରେ ଆସି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବୁ ସେଇ ଫେର ମର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ୟା ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ ସେଇମାନେ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ମର୍ଡ଼ର ୟା ଭିତରେ କିଏ କିଏ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଦୋଷୀ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମଧ୍ୟ 13 ନମ୍ବର ଦୋଷୀ ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ବାବୁ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ଯେଉଁ ବିକାଶ ଜେନା ଯେଉଁ ମର୍ଡ଼ର ହେଲା ସେ ଯେଉଁ ଆସାମୀମାନେ ଫ୍ରି ଫ୍ରାଙ୍କ ଆସିକିରି ଗାଁରେ ବୁଲିଲେ ଆମେ ବି ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସିଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଛୁ ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ଯଦି ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଯଦି ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତେ ଆଜି କୁଳମଣି ବାବୁ କାହିଁ ମର୍ଡ଼ର ହେଇଥାନ୍ତେ କି ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ସିଏ କାହିଁ ମର୍ଡ଼ର ହେଇଥାନ୍ତେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହିତ ହାତ ଅଛି ବୋଲିକିରି ସିଏ ତାଙ୍କ ବାହୁ ଛାୟା ତଳେ ରହିକିରି ସେ ଗୋଟାକୁ 3ଟା ଆଜି ମର୍ଡ଼ର କଲେ ନା ଆଉ ତଥାପି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେପ୍ ନ ନେବେ କି ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ନ ହେବେ ଆଉ କେତେ ଲୋକ ମରିବେ ତାଇ ବି କହିହେବନି ତେଣୁକରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହାତ ଅଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆଧାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯିଏ ଦୋଷୀ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ କ'ଣ ଆପଣ ୟା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ ନାଇଁ ଯିଏ ଦୋଷୀ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ଏ କଥା ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ନିଜେ ମର୍ଡ଼ର କରାଉଛନ୍ତି ସବୁ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡା କରିଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ମର୍ଡ଼ର କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଫଲ୍ସ କେସ୍ କେତେ 21 ବର୍ଷ ଧରି କେତେ ଫଲ୍ସ କେସ୍ ପାଗଳ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆମର ତାଙ୍କ 2 ପୁଅ ନାଁରେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କରିକି ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ପାରିଲେନି ସେଠି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି ପାଗଳ ବାବୁ ସେଠି ଡିଗ୍ରୀ ଆଣିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଲାନି ଏଠି ବେଲ୍ ତାଙ୍କୁ ତେଣୁ ସେଭଳି କେସ୍ରେ ଦେଖିଲେ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ବର୍ଷ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଥିଲାବେଳେ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ହଟେଇଦେଲେ ଆମେ ଏକୁଟିଆ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଏଠି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସବୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଶାସନ କରିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ମୂଷା ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ରହିବ ବିରୋଧ ରହିବ ଏହା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ହତ୍ୟାର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ତାଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଭରସା ପାଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ ସେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୋଷୀ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ କିଏ ସେଇଟା କୋର୍ଟ ବିଚାର କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଘର ପରିବାରର ନିଜ ଲୋକ ଗ୍ରାମବାସୀ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ପୋଲିସ ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁ କୋର୍ଟକୁ ପଠାଉ କୋର୍ଟରେ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ନହେଲା ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ହେବେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ନିଜେ ବିଚାରପତି ଯଦି ବିଚାରପତି ତାହେଲେ ବିଗତ ଦିନର ସେ ଯେଉଁ ଆମର ହରିଜନ ବିକାଶ ଜେନା ସନ୍ତୋଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଏଫଆଇଆର୍ ଆସୁଛି 13 ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏକାଧିକ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିର ବିକ୍ଷୋଭ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବିଜେପି 7 ଦିନର ସମୟ ଦେଇଥିଲା ପୋଲିସକୁ ବା ପୋଲିସକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ଦିନର ସମୟ ଦେଇଛି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ କଟକ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା କଟକ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବା ଏବଂ କଟକରୁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଜିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକ୍ଷୋଭରେ କେଉଁମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପିର ନେତା ଏବଂ ଦଳ କ'ଣ ଦାବି କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ଯେଉଁଭଳି ମହାଙ୍ଗାରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରାଗଲା 2 ଜଣ ତୁଙ୍ଗ ନେତାଙ୍କୁ ତାକୁ ନେଇକି ବିକ୍ଷୋଭ ଜାରି ଅଛି ବିଜେପି ଏବଂ କହିପାରିବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ବ୍ଲକ ସବୁ ଥାନାରେ ଆଜି ଏଫଆଇଆର୍ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗିରଫଦାରୀ ରହିଛି ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କିଭଳି ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ସେ ଦାବିରେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେପି ନଗର ଜିଲ୍ଲା ର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାବି ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛି ପରୋକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସେ ଭାବରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ସେଭଳି ତାଙ୍କୁ କେଭଳି ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ ତାପଟେ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ବିକାଶ ଜେନା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କଥା କହିବା ବିକାଶ ଜେନା ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରାଯାଇ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଗିରଫ କରାଯିବ ଏହାକୁ ଯଦି ଗିରଫ ନ କରାଯାଏ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ରାଜସ୍ଥାନକୁ ନେଇକି ଲୋକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜାରି ରଖିବ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ଆଜି ଯିଏ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ସେ ଆଜି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ କି କିଭଳି ଆଜି ସବୁ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି କିଭଳି ଶୀଘ୍ରରୁ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ ସେ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଆମ ସହିତ ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର ତୁଙ୍ଗ ନେତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତା ଗଲେଇଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇନାହାନ୍ତି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଜଣେ ଗିରଫ ହୋଇନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବ ବିଜେପି 24 ଘଣ୍ଟା ବିତିନି 36 ଘଣ୍ଟା ବିତିଲା କାରଣ ପରଦିନ
संज सतटा बेले कुलमणि बराळंकर हत्या करागला एठी कोठे ना कोठी सब बेले आमे प्रश्नवाची उठैछु सरकार उपरे सरकार एवं प्रशासनिक जे दलाली करूची सरकार आ प्रशासन भितरे जे 2018 रे विकास जेनार हत्या करा जायतला आमे से कथा सतबेले बे उठैतिलु एही पुलिस एही आपनकर एसपी रे बदली हैछि किंतु आपनकर डीएसपी हो आपनकर आईएएस हो एमाने बदली नांती एमाने सही केस को चापी देले आज 13 जनक ना रे एफआईआर दैछन कुलमणि बराळंक पुओ 13 जनक भितरे मंत्री प्रताप जेना मध्य अछंती एठी ओडिसा रा स्थिति वर्तमान आजिका तारीख रे जा अछि एठी जे न्याय मागिबो ताको हत्या करा जिवो एटे जे अधिकार मागिबो ताको हत्या करा जिवो आज न्याय मागिले परिर बापा मा आपण देखंतु तांको थाना रे नै अत्याचार करा गला आज अधिकार पे लडिले साधारण लोकंक स्वार्थ पे लडिले प्रधानमंत्री आवास योजना पे लडिले तुमे लोकंक स्वार्थ रे जे काम आसुचे जे काम करूची तुमे से भली व्यक्ति को तुमे मारी देला त आज प्रश्न एटी हमर नवीन बाबू को केते दिन एमती घंटा घोडै किना एई भली गुंडा राज को चलौतिबा गुंडा शासन को चलौतिबा मंत्री मानको निज आडुआले निज शरणार्पण रे रखिबे हमर दाबी आज प्रताप जेना को बहिष्कार करा जाओ तांको मंत्री पद रो जेतु तांको ना रे थाना रे एफआईआर जाईची तनु कना तांको गिरफ मध्य करा जाओ सुनुतले जो दाबी रहीची कि जो अभियुक्त गिरफ्त करा जाओ एवं प्रताप जेना बहिष्कार कर मंत्रिमंडल बहिष्कार हूँ मुख्यमंत्री से निवेदन कर आलोचना करवा कौन कह आज डिमांड कौन रही है जेहतु दुई दुई जन तुंग नेता हत्या कराला निर्मम भाव आ पूर्व 2018 में विकास हत्या कराला से ही हत्याकांड घटे कि पुलिस जाणी चापी दे कौन उद्देश्य रही पुलिस निश्चित भाव में आम आपको पूरा धिकार करूँ जपर भाव में आपण मैंने देखुं हूँ कलिकता हूँ ममता बनर्जी पूरा टार्गेट कर बीजेपी कर्मी मान नेता मान मर्डर करा सरकार पाखु हूँ आलु मगा एथर हूँ केमी भाव से गुंडागिरी करगे मु डायरेक्ट टार्गेट करी प्रताप जेना को सी निज अंचल आमर कर्मी को आमर नेता सी मर्डर करवृत्त न रहेंगे आम राजस्ता को ओल्लबू जदि दरकार पड़ आम उल्टा जवाब देवु देखिए आक्रोश रही दुई दुई जन तुंग नेता हर बीजेपी दल से आक्रोश रखिंट सीधा सड़क विक्षोभ प्रदर्शन करे बादामबाड़ी दृश्य देखिपे आज कटक जिला सब ब्लक सब थाना एफआईआर हो जो मैंने अभियुक्त अच्छे से शीघ्र धरा जाऊ और जो प्रताप जेना बहिष्कार दावी कर नेत्री अच्छा कौन कह आज डिमांड कौन रही है जेहतु बीजेपी रास्ता को ओल्लि आगे कौन सब आंदोलन करेंगे अभियुक्त मैंने धरा नई देखो गणतंत्र हिंसार स्थान नहीं आज जी प्रधानमंत्री आवास योजना घोटाला कथा उठेला दुर्नीति भ्रष्टाचार कथा उठेबे तांको निर्मम हत्या करा जीवा ये बीजेडी शासन समय ये स्पष्ट बारी जाइछि प्रताप जेनांकर इंगित रे प्रताप जेनांकर गुंडा मानको लगे कि जो भले भाबरे कुलमणि भाई दिव्य सिंह भाई को हत्या करा जाइछि ये कथा को भारतीय जनता पार्टी केबे भी बर्दाश्त करिवो नहीं आज कटक नगर तरफ एडी बादमबाड़ी रे प्रतिवाद सभा करिछो जदी 12 जन का नाम रे जो एतला दिया जाइछि एवं प्रताप जेनांकर नाम रे आंको पर जदी सरकार दुड़ कार्यनुष्ठान ग्रहण न करे ताले भारतीय जनता पार्टी आईन को निज हाथ को नबा और लड़ाई राजा रास्ता रबा निया राजा रास्ता इन जलिबा छत्तीसगढ़ बीती गला तथे अभियुक्त पंत धरा आई नहीं पुलिस रो निष्क्रियता कहि परबा निश्चित भाव रे एटे पुलिस रो संपृक्त रहउछि पूर्वरो मध्य कुलमणि भाई को ऊपर अटैक हेतिला एवं प्रताप जेना मत खुला आम रे कुलमणि भाई को टारगेट करथिले पुलिस कोन जानि नथिला एटे पुलिस नीरव दष्टा साजिछि 21 वर्ष रो अंधारी शासन बिरे अंग चोरी रो रैकेट अरुण साह आ एटे निर्मम भाव रे हत्या कर प्रताप जेना को जदि बहिष्कार करा ना जाए आ 12 जनकर एतला जो 12 जनकर ना आछि तंका परे कार्यनुष्ठान ग्रहण करा ना जाए तले भारतीय जनता पार्टी आइन को विश्वंकल आइन को निज हाथ को नबो राजा रास्ता रे लड़ाई हबो राजा रास्ता रे न्याय जलबो ए कथा को आज हम कटक माटी रो हमें आह्वान करूछु निश्चित भाव रे डिमांड एया रहइबो जो 12 जनकर ना रे एतला आछि तंका सहित प्रताप जेना को ऊपर दृढ़ कार्यनुष्ठान ग्रहण करा जाओ दोषी मान को ऊपर उपयुक्त कार्यनुष्ठान ग्रहण करा जाओ एवं जदि एया करा ना जाए तंको बहिष्कार करा ना जाए ताले भारतीय जनता पार्टी आइन को निज हाथ को नबो निश्चित भाव रे कहि परबा मैडम आइन मंत्री को एरिया रे आइन उल्लंघन होई छि किंतु आइन मंत्री चुप रहि छथि पवन आईन मंत्री का मैं भाबुछ से आईन मंत्री किंतु से मो भौणी कहला बला से क्राइम मंत्री आज ओडिसा रे जत्ते क्राइम होउछे ए शासक दर मंत्री विधायक समस्त डायरेक्ट संपृक्त रहउछन्ती जदी एलिगेशन आसुते ताले तांको तदंतभुक्त करा जाउनी कोन पई आपण देखंतु विगत दिन रे जो बलिया अंगतस्करी को आमे सामना को आनलु छतिरे से माने सीबीआई तदंत कले नै अबिया दुई दुईटा भाई अमर मर्डर हेले एवं 12 जन को नाले एतला दिहला तथापि तांको 24 घंटा हे पाका पाकी हबा को जाउची
अरेस्ट करना ता मैंने आईन मंत्री करूँ कौन सारा ओडिशा आज 4.5 कोटी ओडिशा अनई बसी आईन मंत्री क्राइम ब्रांची जा तो ताले ये निश्चिंत भाव तदंत भुक्त रही दरकार 12 जन लोक जो आलिगेसन आसी से मर्डर कर परिवार वर्ग कहते तुरंत अरेस्ट करा प्रताप जेना जदि नैतिकता दृष्टि निजक सामिल भावुंज जनसाधारण प्रतिनिधि मु आईन को बजे रखा चाहिए तुरंत इस्तफा दिंतु एवं ए जनसाधारण चाहते न्याय ए अन्याय जुआर जदि किए स्वर उत्तोलन करा तंटी रोध कर दि जाऊँ ए जिनस बंद करवर मुख्यमंत्री को आम अनुरोध कह ए जो मंत्री विधायक अन्याय करको बंद कर दि जाऊ मोर अनुरोध रही आईन मंत्री क्राइम मंत्री पाली जा आईन मंत्री एरिया क्राइम होश्चित भाव आलोचना करवा कौन कह आईन मंत्री एरिया क्राइम हो आईन मंत्री चुप रही केमी देखुं पूरा घटना को आईन मंत्री को बेआईन कार्य ये ओडिशार नाटक देखत नवीन पट्टनायक नवीन पट्टनायक जो जात करजे बलिदान है ये सीधा सड़क आरोप नवीन पट्टनायक पर हत्याकारी सरकार ये हत्याकारी सरकार जदि नुह तुम नवीन पट्टनायक भद्रलोक आज ही आज बहिष्कार करूँ प्रताप जेना को आगे गिरफ करूँ कारण मंत्री प्रायोजित कंड कारखाना चली अरुण साहू को द्वारा पुणी प्रताप जेना को द्वारा सब मंत्री हत्यार जड़ित चारिड़े जी भ्रष्टाचार को विरोध कर सी हत्यार शिकार हम ये चलो ना भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता तार जवाब दबो रास्ता घाटे निश्चित लड़ाई हम नवीन पट्टनायक हत्याकारी सरकार को इस्तफा देवा बाध्य करू आप अचिरे तार मृत्यु घटव आपण मैंने जानते गोटक पर 2018 भी यही कांड होता परिकांड है वर्तमान पुणी गोटक पर गोटे मंत्री 2018 जो हत्याकांड होता तार अभियोग धराई ना एवं धरा बोली आप आशा अच्छी आप पुलिस से कार्यक्रम ग्रहण कर कारण 36 घंटा बीतीगला एपर्त कौन अभियान धराई ना सी गोटाक पर गोटाक भूल कर रावण भी एमती भूल कर धरा होना बोली रावण मर एक भावतु ना निश्चित रावण मर निश्चित कंस मर गोटापे गोटे जो भूल कर पापर पहाड़ ऊंचा है जाऊँगी बीजेपी स्टैंड बीजेपी स्टैंड अरुण साहू गिरफ करवा दाबी ताको बहिष्कार करने दाबी प्रताप जेना गिरफ करवा दाबी प्रताप जेना को बहिष्कार करवा ये आम मुख्य दाबी नचे नवीन पट्टनायक इस्तफा आम दाबी करू नवीन पट्टनायक हत्याकारी सरकार जेहतु प्रताप जेना एरिया घटना हो पुलिस निष्क्रिय भाव में गोटे हम फेत गोटे अच्छी पुलिस पुलिस तेरे भी विश्वास ना पुलिस ये बोथराज एरिया जो भाई नाटक कले परिकेश पांच मस पर नुआ नाटक रचना कले भी आ गए कौन नाटक करदे समस्ते जल जल देखुं जो भाई हत्याकांड है महांगे आने धरवे एपर्त समर्थ नुंत प्रताप जेना को आरेस्ट करा प्रताप जेना ही मुख्य खलनायक से भयर वातावरण खेल चाहते ये चलो ना पुलिस भी विश्वास ना प्रताप जेना को गिरफ प्रताप जेना को बहिष्कार नवीन पट्टनायक इस्तफा निश्चित भाव शुणुते कि समस्त मुँह में गोटे कथा कि प्रताप जेना बहिष्कार हूँ और जो अभियुक्त मैंने धरा जाऊ और अंपटे ना मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करूँ और जो अभियुक्त मैंने बाहर बोलते गिरफ्त कर निश्चित भाव में विश्वजित किंतु वर्तमान आईन मंत्री प्रताप जेना से निजे प्रतिक्रिया रखुचे दोषी प्रकृत में दंड पात जो मैंने एभली कम कर कठोर रु कठोर दंड दि जाऊ से निजे घटन पूरा नजर देवे बोली ये घटना को किभ बीजेपी देखुची प्रतिक्रिया ना चाहिए विश्वजित वर्तमान प्रतिक्रिया ना चाहिए दल पक्ष वास्तविक भाव में जो प्रताप जेना ना सामना को आसूची से अभियोग 13 नंबर अभियुक्त भितर 13 नंबर सीरीयल प्रताप जेना ना रही किंतु से निजे प्रतिक्रिया रखुचे अभियुक्त से प्रकृत में दंड पाऊ एवं कठोर रु कठोर कार्यानुष्ठान निजाऊँ से घटना उपर पूरा नजर देवे कि देखुं बीजेपी दल या पक्ष वर्तमान प्रतिक्रिया नाक चाहिए विश्वजित ये रास्ता
कटक बादामबाड़ी दृश्य एवं कटक बादामबाड़ी आज कहवाकू गले पूरा कटक जिलार समस्त निर्वाचन मंडल समस्त ब्लॉक रे बीजेपी पक्ष आज विक्षोभ कर सात दिन रो समय दि जा पुलिस प्रशासन को सात दिन भितर जो माने दोषी से मानू गिरफ करा जाऊ बोली दल दाबी करुछि एवं जदि सात दिन भितर दल बा पुलिस प्रशासन कौन सी लोक को गिरफ न करे दोषी को खोजी न बाहर करे ताले आगामी दिन में पूरा सारा राज्यव्यापी आंदोलन करिवो बोली दल पक्ष चेतावनी दि जाइछि। कारण जो कथा कह जाउछि जे बीजेपी नेता बा वरिष्ठ बीजेपी नेता कुलमणि बराल एवं तांको सहयोगी दिव्यसिंह बराल को हत्या करा जाउछि तबे ये घटना रे वर्तमान बीजेपी आक्रोश मूलक हो सारी कारण दुई दुईट वरिष्ठ नेता हर सारी बहुत बहुत धन्यवाद विषय की आपंकर समस्त तथ्य और आलोचनापी आप सीधा सुख दृश्य देखुंट जे बर्तमान कटक बादामबाड़ी में बीजेपी पक्षर विक्षोभ प्रदर्शन कर दल बर्तमान दाबी रखुची जे समस्त वर्तमान ब्लॉक रो बा समस्त कटक जिलार समस्त थाना रे वर्तमान एफआईआर दायर कर दोषी को धरवापी सात दिन रो मोहलत देछि दल। समय सर बुलेटिन को ये रखु नमस्कार।